नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया मार्ट इंटरमैश के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कंटिन्यूअसली आपको गिरावट नजर आ रही है। पिछले दो चार दिनों से रोज आपको 3-4% की गिरावट इंडिया मार्ट में दिखाई पड़ती है। कई लोगों को डर लग रहा है यहां पर क्या माल बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 35% करेक्ट हो चुका है, तो क्या यहां पर लॉस बुक कर लेना चाहिए। सबके मन में ये डर लग रहा है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिजनेस को समझ लेते हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, B2B बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यह कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट नहीं है, जहां पर हम एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं। आप एक बिजनेसमैन है, आपको कुछ बेचना है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो मैं आपसे खरीद सकता हूं। तो यह इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर दो बिजनेसेस एक साथ आ सकते हैं और अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उससे उसकी इनकम होती है। तो इस सेक्टर में 60% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर इंडिया मार्ट के पास है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और अभी भी ये जो सेक्टर है बहुत ही छोटा सेक्टर है, अभी भी यहां पर पूरे सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ है, और उसमें इंडिया मार्ट टॉप पोजीशन पे हमें दिखाई पड़ता है। सेक्टर में इतनी ग्रोथ होने के बावजूद, मार्केट लीडर होने के बावजूद गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट इसीलिए हो रही है क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। नेट प्रॉफिट YY बेसिस पे तो 26% बढ़ गए, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे 31% की भारी गिरावट हमें नजर आई है, और इसी के कारण आपको स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो 6681 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 4% नीचे है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी, 0.22% का डिविडेंड यील्ड है, तो ग्रोथ पर ज्यादा फोकस है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 73 है, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है जितना भी ऑनलाइन बिजनेस होता है वो सब कुछ आपको महंगे वैल्यूएशन पे ही नजर आएगा। किसी भी कंपनी को देख लीजिए, इस सेम सेक्टर में आपको शायद कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन जो दूसरे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जैसे कि एफले हो गया, इन्फोज हो गया, वहां पर भी वैल्यूएशन आपको जनरली महंगे ही दिखाई देते हैं। और इंडिया मार्ट का जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। 72.5 का पी रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो 15.08 है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो शानदार सेल्स ग्रोथ है, पिछले 5 सालों में 29% से भी ज्यादा का सेल्स यहां पर दिखाई पड़ता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट के बारे में बात करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 5 साल में 57% का प्रॉफिट है। पहले कंपनी लॉस करती थी, लेकिन उसके बाद यहां पर प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ नजर आता है। जनरली आपको ऐसा ही दिखाई देता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं शुरुआत में आपको लॉस होते हैं, लेकिन एक बार मार्केट शेयर कैप्चर होने के बाद प्रॉफिट आना शुरू होते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज आप देख पाएंगे 59% का है, शानदार है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज 42% है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर बड़ा डेंट पड़ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आई है प्रॉफिट में। तो इसके साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पर गिरावट नहीं है, रिटर्न रेशियोज में भी गिरावट है। पिछले साल के कंपेरिजन में ROE, ROC और रिटर्न ऑन एसेट्स तीनों ही डिप होते हुए नजर आए हैं, और कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स ये कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों ही 4.41 है, तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0 है, कंपनी पर कर्जा नहीं है, यह भी एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 59.51% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हमें दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 49.85%, जो कि कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है, ये एक पॉजिटिव बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या नहीं है। एक साइड पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन FIIs ने लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाई आई है। अब देख पाएंगे 11% से बढ़कर 27% से भी ज़्यादा हो चुकी है। टोटल DIIs के बारे में बात करें तो DII ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 21% से कम करके 9.99% किया है। अदर्स के बारे में बात करें तो 12.52% की होल्डिंग हमें दिखाई पड़ती है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 10,000 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया। 7,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, कंसोलिडेशन दिखाया, लेकिन स्टॉक यहां पर टिक नहीं पाया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मार्केट को पसंद नहीं आए, और स्टॉक में हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। अगर इसके वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद शानदार तेजी देखने को मिली है। 1200 रुपए के आसपास स्टॉक अवेलेबल था, और फिलहाल ही स्टॉक हमें
10,000 तक जाता हुआ नजर आया, तो ऑफकोर्स 2-3 सालों में बड़ा मल्टी बैगर बन चुका है। और जब भी गिरावट होती है तो जो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ता है। अगर ये लेवल टूटता है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज भी हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। यहाँ से हमें वापस तेजी दिखाई पड़ी थी और फिलहाल जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज बनकर आता है वो है 6,000 के आसपास का लेवल। तो ओवरऑल स्टॉक में करना क्या चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स फंडामेंटली स्पीकिंग स्टॉक बहुत ही अच्छा है, जिस सेक्टर में कामकाज करता है वहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। 2-3 सालों की बात नहीं कर रहा, आगे के 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कामकाज ऑफकोर्स होने ही वाला है और वहाँ पर ये ऑलरेडी मार्केट लीडर पोजिशन बना कर रखा है, तो फ्यूचर में इसके पास एक एज है। ये बहुत ही अच्छी बात बनकर आती है इंडिया मार्ट के बारे में। सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग है और उसमें भी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ हो। मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं, फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो फिलहाल क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो अच्छे देखने को नहीं मिले, जिसके कारण स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को पैनिक करने के बजाय यहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली खरीदारी हमने जो की थी वो 2000 के आसपास थी, 2200 के आसपास हमने स्टॉक में खरीदारी की थी। उसके बाद ये एक साल के अंदर अंदर 10,000 तक जाता हुआ नजर आया है, तो ऑफकोर्स इतना प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। एक साल में अगर स्टॉक कोई 4 गुना हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना तो व्याज भी है, थोड़ा सा आना चाहिए। ये हेल्दी करेक्शन है, 10,000 से अगर कोई 6,500 आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्दी करेक्शन है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग की और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी 7,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं बार बार कि सर क्या करना चाहिए, इंडिया मार्ट में क्या खरीद ले और भी 2% गिर गया, या फिर क्या बेच दे। तो बेचने के तो सवाल नहीं है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है और यहां पर लोग 2-2% की गिरावट पर खरीदने की बात करते हैं। तो यह आपको समझना चाहिए कि हर एक डिप पर खरीदारी नहीं होती है, एक लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। हर 2% की गिरावट पर खरीदारी करेंगे तो जब एक्चुअल लेवल आएगा जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए वहां पर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। 7,500 का एक लेवल था, अच्छा वैल्यूएशन था तो वहां पर खरीदारी की। अब और गिरावट आ रही है तो जो नेक्स्ट लेवल है सपोर्ट लेवल वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनकर आता है वो है 6500 से करके 6700 के आसपास। ये जो पूरा का पूरा जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी यहीं पर बनकर आता है और फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी होता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे 31 का हमें RSI दिखाई पड़ता है। वीकली RSI के बारे में बात करें तो ये भी 45 है, जो कि बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाइए, कितना इन्वेस्टमेंट हर एक डिप पे करना चाहिए इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, उसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि हर एक डिप पर कितनी डिप पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और हर एक डिप पर कितनी क्वांटिटी की खरीदारी करनी चाहिए, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए, आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।